दोस्तों आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि आप किस दिन कौन से बॉडी पार्ट के एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी इजीली नहीं बन पाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे हफ्ते का वर्कआउट प्लान, जिसमें आपको कौन से दिन किस बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं मंडे से। एक और बात दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार में एक ही बॉडी पार्ट को ट्रेन करें। धीरे धीरे जब आप इंटरमीडिएट स्टेज पर आएंगे तब आप एक साथ दो बॉडी पार्ट को ट्रेन कर सकते हैं ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग के लिए। तो सबसे पहले आप वीक की शुरुआत में स्टार्ट करते हैं चेस्ट मसल्स को ट्रेन करने से, क्योंकि चेस्ट आपकी बॉडी का बड़ा मसल्स एरिया कवर करती है दोस्तों। तो आपको ट्रेनिंग करते टाइम ज्यादा एक्सरसाइज करनी होती है, जिससे आपकी बॉडी काफी ज्यादा पंप होती है, और खासकर आपकी चेस्ट मसल्स। दोस्तों आपकी चेस्ट मसल्स के बाद आप अपनी आर्म्स के एक या दो सेट लगा सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है वो। अब दोस्तों अगर आप चेस्ट के अगले दिन बैक को ट्रेन करते हैं तो अब से आप बाइसेप्स पर स्विच करिए, क्योंकि चेस्ट और बैक दोनों ही आपकी बड़ी मसल्स होती हैं और ज्यादा एनर्जी लगती है इनके एक्सरसाइजेस को करते टाइम। तो आपको एक दिन का रेस्ट देना चाहिए आपकी बॉडी को, ताकि अगली बड़ी मसल्स को ट्रेन करने के लिए आपकी बॉडी एकदम फ्रेश और रेडी हो। बाइसेप्स के 5 से 6 एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपकी आर्म्स में काफी अच्छा पंप आएगा। अब है दोस्तों वेडनेसडे। जैसे कि हमने अभी बात करी कि चेस्ट के एक दिन के बाद आप अपनी बैक को ट्रेन करेंगे, तो यानी कि तीसरे दिन आपकी बैक मसल्स को ट्रेन करने की बारी है। आपकी पूरी बैक के लिए 5 से 6 एक्सरसाइजेस प्लस डेडलिफ्ट बहुत ही असरदार साबित होंगी, और पूरे बैक के वर्कआउट के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आपको ऊपर उसका लिंक मिल जाएगा। अब बारी है दोस्तों हमारे अगले बॉडी पार्ट की और अगले दिन की। तो थर्सडे को आप ट्रेन करेंगे शोल्डर्स को। दोस्तों शोल्डर्स हमारे पुश और पुल दोनों ही एक्सरसाइजेज में आ सकती है। आपके शोल्डर्स की मसल्स के लिए मिनिमम 5 एक्सरसाइजेस बहुत रहेंगी। इसके बाद अगले दिन आप करेंगे ट्राइसेप्स को। दोस्तों हमारे पूरे हाथ की सबसे बड़ी और मेन मसल्स, जिसकी वजह से हमारा पूरा हाथ मस्कुलर और चौड़ा दिखता है। अगर आपके ट्राइसेप्स बड़े होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा हाथ बड़ा दिखेगा। फ्राइडे को आप ट्राइसेप्स को ट्रेन करेंगे, और साथ ही 1 से 2 एक्सरसाइज आप फोरआर्म्स की भी कर सकते हैं। अब हमारे वीक का आखिरी दिन है दोस्तों, और आखिरी बॉडी पार्ट भी, जो कि है सैटरडे प्लस लेग डे। दोस्तों लेग्स डे को आप कभी स्किप मत कीजिए, क्योंकि एक यही बॉडी पार्ट है जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। और लेग्स डे मैंने सैटरडे में इसलिए रखा है ताकि आपको संडे का रेस्ट मिल सके आपकी लेग्स को रिकवर करने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारे पूरे वीक का वर्कआउट शेड्यूल, जिसमें आप अब आसानी से बिना सोचे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं कि आपको किस दिन कौन से बॉडी पार्ट को ट्रेन करना है।